आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। बक्सुहा के इकलौते तालाब में फैली गंदगी, नगर परिषद इस ओर नहीं देती ध्यान। जबकि तालाब सौंदर्यीकरण पर लाखों के बिल डाले जा रहे हैं, जबकि तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर के पास बने तालाब में नालियों और शौचालय का पानी जा रहा है, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। बक्सुहा दमो रोड पर क्रेशरों से निकलने वाली धूल राहगीरों को बनी परेशानी, हो रहे सड़क हादसे। क्रेशरों से निकलने वाली धूल से राहगीरों को परेशानी बनी हुई है, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ नोटिस देकर ही कार्यवाही की इतिश्री कर दी जाती है। जैन देव तीर्थ सुरई में डमोकार मंत्रोच्चार हुआ संपन्न। बक्सुहा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जैन देव तीर्थ सुरई में आज डमोकार मंत्र उच्चारण एवं विविध कार्यक्रम संपन्न हुए, जिस दौरान प्रसिद्ध स्थल जैन देव तीर्थ सुरई में डमोकार मंत्र का जाप एवं डमोकार ध्वनि का आयोजन किया गया। देव तीर्थ की सुराई की ट्रस्ट कमेटी के वरिष्ठ संरक्षक मास्टर प्रेमचंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐतिहासिक स्थल देव तीर्थ सुराई को सवारने की जरूरत है, जिसके उद्देश्य से यहां पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मरदेवरा में आदर्श रामलीला के अंतर्गत हनुमान और मेघनाथ का हुआ युद्ध। बक्सुहा जनपद क्षेत्र के ग्राम मरदेवरा में आदर्श रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बता दें कि मरदेवरा में आयोजित कराए गए इस रामलीला महोत्सव में आयोजक बिहारी जी मंदिर कमेटी मरदेवरा तथा निवेदक समस्त ग्रामवासी मरदेवरा हैं, एवं जिसमें समस्त कलाकार रीवा से उपस्थित हुए हैं। जिसके कार्यक्रम बेला पर आज हनुमान और मेघनाथ का युद्ध, जिसमें हनुमान को पराजय करके लक्ष्मण से युद्ध सहित विविध कार्यक्रम संपन्न हुए, जिस दौरान पंडित श्री महंत बिमलेश मिश्रा, बैजनाथ शुक्ला, मनीष लोधी सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। नहीं उठेगा तो आज से तुम्हारे भात में कटौती कर दी जाएगी। सरकार आज से रोटी बढ़ा दिया जाए। सरकार भात खाते खाते पेट गल गया है।